हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक फ्रेंड्स। इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। होम पेज पे ही आपको वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन IIFCL, इस पर क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं ये इंटरफेस ओपन होके आपके सामने आ गया है। तो यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिटेल्स मैंने डाउनलोड कर लिया है तो फ्रेंड्स देख लेते हैं वैकेंसी में क्या डिटेल्स दी गई हैं। ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 2A Grade A 2022-23 दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर रेगुलर में ग्रेड ए की ये वैकेंसी है एंड इसको आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। 2 अप्रैल 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है एंड अप्रैल 2023 में इसका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। अदर डिटेल्स देख लेते हैं एंड अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपको फीस पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। अंडरचर EWS OBC कैंडिडेट के लिए 500 की फीस है। PWD SC ST के लिए फीस कोई भी आपको पे नहीं करनी है, लेकिन आपको इंटीमेशन चार्ज देना होगा। 100 रुपीज आपका चार्ज यहाँ पर दिया गया है। बात कर लेते हैं पोस्ट के डिटेल की। तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में यहाँ पे अनरिजर्व में 8 वैकेंसी है, SC में 4 है, ST में 2 है, OBC में 8 वैकेंसी दी गई है, EWS में 4 है। टोटल 26 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं एंड यहाँ पर आपका सैलरी लेवल की बात किया जाए तो 80,000 पर मंथ आपको ग्रॉस सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको ग्रेचुटी, HRA, लीव, फेयर, कंसेशन, लीव, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी एंड ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में है, या आप MBA हैं, या PGDM हैं, या LLB हैं, या BA+ LLB हैं, या आपके पास CA या BTech या BE हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कर ले तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ऑफिसर कैडर इन फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, PSUs या रेप्यूटेड कॉर्पोरेट से। एज में 21 से 30 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होगा। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होने वाला है। तो रिटन टेस्ट में यहाँ पर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 25 मार्क्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 मार्क्स होंगे, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर से 30 मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट्स का समय दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट सेकंड में यहाँ पर डोमेन नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके प्रोजेक्ट फिनांस, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी, जनरल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग सिस्टम एंड RBI सेबी सर्कुलर्स, गाइडलाइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड टोटल क्वेश्चंस 50 होंगे। मैक्सिमम 50 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको 1 आवर्स का समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड बात कर लेते हैं यहाँ सबसे लास्ट में एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया गया है। तो आप जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, त्रिवेणपुरा, विशाखापट्टनम में इसके सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है।
वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।